दोस्तों हम लोग जा रहे हैं चीची माता, और चीची माता जाने के लिए ये देखो पत्थरों वाले रास्तों से गुजरते गुजरते हमें इस नदी को भी पार करना पड़ा। दस रुपये किराया दे देते तो शायद हमें ये नहीं करना पड़ता। ये खतरों के खिलाड़ी बन के आ रहे हैं, इसने पूरा पैंट भिगा दिया है पूरा का पूरा, और साथ ही साथ जूते भी भीग चुके हैं। कैसा लग रहा है, 10 रुपये दे देते तो क्या बढ़िया लग रहा है। और आप दोबारा आना चाहोगे इसी रास्ते से? ये देख सकते हो दोस्तों, हमने बहुत बड़ी नदी पार की है। यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो देख लो, नदी पार की है हमने। बहुत ही बड़ी नदी थी ये गंगा यमुना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अब हम आपको सीधे मिलते हैं चीची माता मंदिर वाले रास्ते पे। तो ये सफ़र अब हम अकेले बिताएंगे, ठीक है? मिलते हैं आगे जाके। देख लो दोस्तों, ये है जंगलों का रास्ता। आज हम इस जंगल के रास्ते से गुजरेंगे। मेरे को बार बार कहने में शर्म आ रही है, लेकिन कहना पड़ेगा, आज इन दोनों के चक्कर में मेरे को सिर्फ 10 रुपये के चक्कर में 2 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरा हुआ था। अभी तक हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक हम जंगल से जा रहे हैं। यहाँ पे अजगर, एनाकोंडा और ना जाने क्या क्या हमें मिल सकता है, मतलब सांप ही नहीं बल्कि कोई जानवर भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं, अब आपको मिलते हैं सीधे हम। तो अभी हम यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर हैं चीची माता मंदिर से, और जब तक आप ये नज़ारा देखिए, ये हसीन वादियाँ, ये ठंडी ठंडी हवाएं, और ये नाली का पानी जो कि हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। नहीं यार, मैं नाली के पानी में नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही मतलब बचपन में काफ़ी देखा है, जब सड़कें नहीं हुआ करती थी हमारे ज़माने में। और शायद अब आपको ये मंदिर नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ दे, और इस फल का नाम ज़रूर बताएं कमेंट में। एक्चुअली ये फल भी नहीं, ये कोई सब्जी भी नहीं, बल्कि मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है, तो आप इसलिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये ब्लॉग जो है रैंडमली शूट हो रहा है, अगर मुझे ऐसा पता होता कि मैं ब्लॉग शूट करने वाला हूं, तो शायद मैं अभी एक माइक लेके घूम रहा होता ताकि आवाज़ क्लियर आए, और मुझे ये भी नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सीधे मंदिर में मिलते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो आपको सीधे दर्शन करा ही देते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधे आगे जाके। तो मैं आपसे कह रहा था कि सिर्फ 500 मीटर का रास्ता बचा है, लेकिन ये 500 मीटर काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि आगे से है रास्ता बंद। तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, अभी जंगल से फिर गुजरना पड़ेगा इस रेतीले इलाके से, जो कि रेगिस्तान से भी ज़्यादा भयानक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस आज इस सफ़र को भी तय कर लेंगे, और एक नया अनुभव मिलने को, मतलब नया एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, जो कि आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आप सब यार 10 रुपये दे दो, इतनी मुसीबतों को नहीं झेलोगे फिर। अगर हम जैसे थोड़ा सा लालच कर गए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। कहाँ यार 2 किलोमीटर का सफ़र या लंबा रोड, 10 रुपये दो, आराम से पहुँच जाओ 5 मिनट के अंदर, और हम वही 5 मिनट के चक्कर में पूरा घंटा बर्बाद कर रहे हैं। खैर छोड़ो यार, ये यहाँ से हाईवे जा रहा है, और वो रहा सामने मंदिर। अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो, तो कोई बात नहीं, अब तो आपको सीधे मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा। पैदल भी आना पड़ता है कभी कभी, ये तो गाड़ी से आए हैं दोस्तों। पूछ रहे थे हमसे कि आप पैदल आए हो या फिर चल के, वही है कि यार दुखती नस पे हाथ रख दिए लोगों ने। और आप सब देख सकते हो सामने कितनी भीड़ है, लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे मिलने आए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज अपने सब्सक्राइबर्स से। ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, कोई बीच में हमला ना कर दे मेरे पे। आपको तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा फेमस हूँ। दोस्तों मैं मजाक कर रहा था यार, ये लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बल्कि ये तो यहाँ पर पूजा करने आए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से मंदिर का दृश्य देख सकते हो तो ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा ढंग मतलब सही तरीके के साथ दिखा दिया जाए। क्या है कि यार ये फ़ोन जो है, मैं चलते चलते रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी काफ़ी कम है इस फ़ोन की, दैट्स वाई। बाकी आप सब देख सकते हो, और यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लग गया हाईवे पे कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश होगा। तो चलिए अब तो हम रश ही देखेंगे कि वहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। और हाँ, हम लगभग अब मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है हमारा चीची माता जी का मंदिर, और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो चुका था, मतलब अभी तो शुरुआत ही, हम इतनी सुबह सुबह गए थे उसके बावजूद भी यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक एक चीज़ दिखाई, अगर मैं चाहता तो आपको सीधे दर्शन करवा सकता था, पूरा ऐसे दिखा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ना एक काम करते हैं कि बिल्कुल ही दिखाते हैं कि हम कहाँ से शुरू किया हमने, और कैसे कैसे हम गए, और कहाँ कहाँ घूमे, आपको मतलब सब कुछ पता चलने वाला है, बस लास्ट तक बने रहिए। और ये जो था हाईवे के नीचे से रास्ता जा रही है, और हमें रोड क्रॉस करके हम जा रहे हैं अब दूसरी साइड, क्योंकि मंदिर वाली साइड। अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी रह गई यहाँ से,
और जो आवाज़ जो है मैं थोड़ी सी कभी कभी बाद में भी रिकॉर्ड करता हूँ जब ऐसे चलते फिरते नहीं कर पाता हूँ, तो अभी जो है मैं बाद में आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि दिखाने वाली होगी, वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको बिल्कुल। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है हाँ, लेकिन काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, बस आप लास्ट तक बने रहिए ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही काफ़ी कुछ यहाँ बिक रहा था, आप सब देख सकते हो काफ़ी सारे खिलौने हैं। लेकिन यार अब हम तो बड़े हो गए हैं तो हमें ये खिलौने वगैरह कुछ पसंद आते ही नहीं, मन ही नहीं करता खरीदने का। यहाँ पे काफ़ी कुछ था पहले, तो हम रोज़ आया करते थे इन खिलौने के चक्कर में, लेकिन अब नहीं यार, अब तो खाओ पियो और आ जाओ घर पे वापस। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ था, और ये एक अच्छी चीज़ थी माँ वैष्णो चाट भंडार, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे गोलगप्पे पसंद है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेवरेट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को। और ये हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, सामने जो है सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे हमारा मंदिर की मतलब शुरुआत हो जाती है यहाँ से। और इसके बाद जो है सफ़र वो तो काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा रास्ता कि मतलब बता ही नहीं सकता मैं आपको। अब आप देखते चलो बस, मुझे नहीं पता। और ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हम अंदर घुसने वाले थे। और मज़े की बात तो ये है कि इतनी सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मान के चलो अगर हम एक घंटा लेट हो जाते तो मतलब भाई घंटों लग जाते लाइन पूरी ख़त्म होते होते ही, अंदर भी नहीं घुस पाते हम। वो तो मैं आपको लास्ट में जाके बताऊँगा कि कितना ज़्यादा रश बढ़ रहा था यहाँ पर। तो फाइनली हम अंदर घुस चुके हैं, और घुसने के बाद आगे पीछे हमारे इतनी सारी जनता है कि पता नहीं सकता मैं आपको। और ये था यहाँ पे जूता उतारने का स्थान है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं अपने जूतों को ना उतार के यहाँ रख जाते हैं, अक्सर चोरी का खतरा होता है, इसलिए हमने सबसे कोने में डिब्बे के अंदर पैक करके, मैं बता नहीं सकता, वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, लेकिन इतने छुपा के रखे हमने, मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर हमने लिया प्रसाद, क्योंकि प्रसाद लेने के बाद हम दर्शन करने जाएंगे माता रानी के। तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये पास वाले से ले लेते, मतलब आगे पीछे प्रसाद तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, अगर आप कभी भी घूमने आओगे तो प्रसाद आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि अगर ये तो नवरात्रि हैं तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, पर ऐसे मैं आपको कन्फर्म नहीं कर सकता कि प्रसाद मिलता ही होगा, क्योंकि मैं ऐसे आया नहीं यहाँ पर कभी। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम अपने मेल्स वाली लाइन में लग चुके हैं, और लगने के बाद यहाँ पे दूसरी साइड जो है जो लोग दर्शन करके आ गए हैं वो इतनी मतलब उस साइड इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पे शायद मेरे हिसाब से छोले भटूरे सबकी लाइट लाइट कुछ ऐसा मिल रहा था खाने के लिए, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा है कि जो चीज़ खाने के लिए मिल रही है वहाँ तो यार भीड़ लगी जाती है अक्सर, जो कि फ्री हो ऑब्वियसली, तो वहाँ तो भीड़ लगनी ही लगनी है। वैसे प्रसाद है तो खाना ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। यहाँ पे वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और मैं थोड़ा सोच रहा था कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे मतलब हम सबसे लास्ट में लगे थे और हमारे बाद भी मतलब 8-10 लोग और खड़े होकर पीछे, मतलब हर सेकेंड कम से कम 5-6 लोग आ ही जा रहे थे, मतलब भीड़ बढ़ी जा रही थी। और यहाँ पर ये भाई कुछ मिले, इन्होंने देखा रिकॉर्ड करते हुए, तो मेरे से चैनल का नाम पूछा तो मैंने बता दिया। और यार ये आप सब देख सकते हो कितनी सारी भीड़ हो गई यहाँ पर। और अब जो है हम ऊपर चढ़ रहे हैं, लगभग मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि घंटा लगने वाला है हमें। और यहाँ से सिर्फ हम दूर हैं माता रानी से सिर्फ 30-40 मीटर दूर हैं, लेकिन ये भीड़ हमें 15-20 मिनट कम से कम लगेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि हमें इतने टाइम तो लग ही जाएगा। और फाइनली हम ये ऊपर चढ़ रहे हैं, अब ये एक प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही हम माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और ये हम ऊपर पहुँच सकते, अब सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की दूरी है और हम पहुंच जाएंगे माता रानी के पास में दर्शन करने। और ये मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। यार रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, मजाक से हटके, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है पहली बार ठीक है। और ये लोग रुकने भी नहीं देते, मतलब ये नहीं कि एक सेकंड भी रुकने दे, आप प्रसाद दो प्रसाद लो और चलो आगे बढ़ो, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। आपको पता है आज नवमी थी तो ऑब्वियसली यार भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। इनको कुछ गलत तो नहीं है यार, ये सब मतलब गलत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यार भीड़ को कम करने के लिए प्रसाद देने के बाद तुरंत आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरे को लगा था कि शायद मैंने माता रानी को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया होगा, लेकिन एक सेकंड की क्लिप है, आप देख सकते हैं। अगर आप उसको दोबारा से बैक करके आप दर्शन भी कर लेना, मैं तो कहता हूँ यार घूमने आओ, काफ़ी अच्छी जगह है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे देवी के 9 मतलब जितने भी 9 रूप थे उन सब के बारे में यहाँ बताया हुआ है, मतलब सभी देवियाँ यहाँ पर थीं, तो हमने इनके भी दर्शन करके उसके बाद हम चले जाते हैं चीची माता। अगर आप सबके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा इनका नाम चीची माता क्यों पड़ा वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे ख्याल आ रहे होंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी कथा है इनकी शुरू से लेकर एंड तक, चित्रों के साथ नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक चीज़ बताई गई हुई है कि कैसे माता रानी मतलब नाम पड़ा चीची माता, कैसे पूजा वगैरह स्टार्ट की लोगों ने, तो सब कुछ है यहाँ पर। अगर आप जब भी आओगे घूमने तो आपको ये सब कुछ दिख जाएगा आराम से। तो मैंने भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप इसको मतलब पढ़ सकते हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में आ रहा है आपको तो आप पढ़ लेना ठीक है।
तो ये सब देखने के बाद अब हम सीधे आपको आगे ले चलेंगे इस मंदिर को, टीका वगैरह लगवाएंगे हम यहाँ पे, दर्शन तो कर लिए मतलब मंदिर के, तो हमने आपको दर्शन करवाए दिए, एक्चुअली माता रानी के दर्शन हो गए। अभी आपको मेला घुमाएंगे हम थोड़ा बहुत, और कोशिश करेंगे कि आज हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में जा सकें। सुना है कि वहाँ से पूरा सांबा नज़र आता है, और ये मेरी थोड़ी सी शक्ल देख लो, आप सब सोच रहे होंगे कि यार इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, मैंने शक्ल ही नहीं दिखाई अपनी, तो लो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे सब जयकारा लगा रहे थे माता रानी का, तो हमने भी लगाया, और उसके बाद हम बढ़ते हुए यहाँ पे वही लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बता रहा था कुछ टाइम पहले, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी तक यहाँ भीड़ है, ये भीड़ रहने ही वाली है शाम तक। तो हमने सोचा कि यार चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ है तो यह कि यार जहाँ पे भंडारा हो रहा हो वहाँ पे यार प्रसाद वगैरह जो पैरों के नीचे आ जाता है, तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। पहले जूते तो पकड़ यार, ये मतलब लोग अक्सर गिरा देते हैं सड़कों पे, मतलब सड़कों पे गया यार मतलब रास्ते में, तो ऐसा होता है कि लोग ना खड़े होकर कहीं भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, या ढक्का टुक्का लग जाता है, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो गिर जाता है। पर यार उठा के साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि यार ऐसे पैरों के नीचे आता है तो ये काफ़ी गलत है। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार मैंने इन सबसे कहा कि जूते पहले ले लें या क्या करें, ये लोग कहते हैं चल जूते बाद में पहनेंगे, क्योंकि अक्सर क्या हुआ कि मैं दो बार आया हूँ, दोनों बार मेरे जूते या चप्पल वो चोरी हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर भी मैंने सोचा कि जूते हमने सेफ जगह रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीधे हम पूरा घूम लेते हैं। फिर उसके बाद ये हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेले वाली साइड, और आप सबको बताएंगे कि आगे जाके हमें क्या क्या मिलता है। मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई है, मैं चाहता तो आपको सीधे मेला दिखा सकता था, दर्शन करा सकता था, और 5-6 मिनट की वीडियो बना के बस कर सकता था, लेकिन ये वीडियो लगभग 17 मिनट की है, तो इन 17 मिनट के अंदर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको मतलब हर एक चीज़ पता चल जाएगी, पूरा मंदिर घूम लोगे आप इन 17 मिनट के अंदर, और आप मेरे बारे में जान जाओगे। अरे भाई इतना शोर हो रहा है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ यार। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी जो कि मतलब चारों तरफ कुछ हो ना हो सिर्फ जलेबी और पकौड़े ज़रूर मिलेंगे, तो यार देख देख के कभी कभी होता है चल खा ही लेते हैं, अब कुछ दिख नहीं रहा, यही सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो हमने सोचा चल ले ही लेते हैं। लास्ट में जाके हमने ये भी लिया था, और हाँ आपको मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर एक फूडी जो भी हमने खाया पिया है, मतलब जो भी कुछ खाया होगा वो आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा, ये लॉन्ग वीडियो तो यहाँ पर मैंने सोचा खाने पीने का जो है वो शॉर्ट में अपलोड कर देंगे हम, क्योंकि इसको और ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते। तो ये सब आप देख सकते हो, हर जगह जलेबी और पकोड़े ही बनाए जा रहे थे, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं भाई। मैं बता नहीं सकता, कम से कम 15 से 20 लोग तो सिर्फ ये ही बेच रहे थे। खैर अब हम आ गए हैं सीधे मेले के अंदर, और यहाँ मेले के अंदर वही काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे तो भाई माला लॉकेट वगैरह आपको छल्ले छुल्ले मिल जाएंगे, छल्ले का मतलब समझते होंगे आपकी वही यार जो कि अब मैं आप देख लो यार मैं क्या बताऊँ आपको, इसको छल्ले को छल्ले कहते हैं और भी आपके भाषा में कुछ कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो खैर ये यहाँ पे खिलौने थे जो कि हमारे किसी काम के हैं नहीं, मतलब खिलौने नहीं बल्कि काफ़ी कुछ था जो कि शायद हमारे भी काम का था, लेकिन हमने खरीदना ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पे जो पानी चल रहा था तो पानी ये कुछ लोग भाई पी रहे थे, तो हम यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे घड़ी कड़े होते हैं, कुछ अंगूठियाँ होती हैं, यहाँ पे गन, मतलब काफ़ी कुछ था, जैसे होती है नॉर्मल चीज़ें हर एक मेले में, जो मतलब हर एक मेले में जो चीज़ होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नहीं थी, मतलब देखा जाए तो बस ये है कि हमारे लायक कोई चीज़ नहीं थी, अगर थी तो हमने खरीदी नहीं क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पसंद है नहीं। वैसे आप कमेंट करके बताना कि आपको इन मेले में से कुछ खरीदना होता तो आप क्या खरीदते, या आप इसे खा पी के हमारी तरह घर को आ जाते, हमने तो वही करा था। तो यहाँ पे देखो ये मेहंदी वगैरह भी काफ़ी सारी है, और अक्सर वो भी होता है ना जो कि धागे के अंदर लेटर होते हैं, इसे अपना नाम वगैरह करके अब समझ जाएगा करो, बस वो हाथ में बनवा लो, एक ब्रेसलेट टाइप बनवा लो, तो वही सब कुछ था। तो यहाँ पे चश्मा घड़ी की तो बात ही मत पूछो भाई, ये सरदार जी मतलब इतने बड़ी बड़ी घड़ी देते हैं, एक चीज़ है कि महंगी देते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर ही यहाँ पे एक घड़ी खरीदी थी जो कि जिसके मैंने 3 बार तो सेल डलवा दिया, क्या बताऊँ, खैर छोड़ो कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, समझ जाए करो। तो खैर जहाँ पे देखो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे वही यार कुछ चीज़ों को मतलब वो है ना कि रिपीट हो रही थी बार बार, वही सेम चीज़ें हर दो दुकान छोड़ के वही चीज़ मिल रही है, तो वही सब कुछ था यहाँ पे। और उसके बाद हम सीधे जा रहे हैं हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में, तो ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर आप एक बार ये सब चीज़ें देख लो, क्योंकि
अब मैं सीधे आपको ले जाऊंगा मंदिर की छत पे, सीधे टेरेस पे ले जाऊंगा। टेरेस क्या छत ही बोलो यार, वहाँ से एक चीज़ है, पूरा शहर दिखाई देता है, पूरे सांबा शहर का नज़ारा नज़र आता है वहाँ से। तो ये हम आ चुके हैं पहाड़ों की ऊंचाई पे, यहाँ से यहाँ एक्चुअली ये भी है कि पहाड़ भी आगे पीछे हैं, तो और काफ़ी शुद्ध हवा है। वैसे हवा चल नहीं रही थी, गर्मी थी, लेकिन ठीक है फिर भी। और यहाँ पे जो एक तालाब है जो कि स्नान के लिए है, लेकिन यहाँ पे स्नान कोई करता तो है नहीं, या करता भी होगा तो मुझे नहीं पता यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ थी कि पानी था यहाँ पे। तो ये सब था यहाँ पे, मैं आपको दिखाई देता हूँ स्विमिंग पूल। क्या हुआ? लोटस निकल आया है इसमें। और ये नज़ारा देखो, यहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों, मतलब क्या है ना कि ये मंदिर की जो ऊंचाई है और जो पहाड़ की ऊंचाई है लगभग सिमिलर है, बराबर है। और उसके बाद ये मुझे एक्चुअली क्या है कि नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, समथिंग लाइक दैट आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पेड़ पौधे, जंगलों में घूमना फिरना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। खैर ये तो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ से देखो पूरा सांबा शहर नज़र आ रहा है, हर एक घर दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा नहीं सकता क्योंकि सब कुछ ब्लर टाइप हो जाएगा। तो ये सब देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और ये पहाड़ वगैरह सब कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। और लगभग यार अब मैं सोच रहा था कि अब इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, बाकी जो खाने पीने के ब्लॉग्स हैं वो शॉर्ट पे अपलोड हो जाएंगे, तो वो सब आप ज़रूर देखना, ठीक है, मिस मत करना। मैंने शायद दो वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, तो दोनों वीडियोस आपको देखनी है, तो वो शॉर्ट्स में आपको देख जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जल्दी।